আমরা চলে এলাম আপনাদের সঙ্গে আরো একটি নতুন ভিডিও শেয়ার করার জন্য। আর আজকে আমরা যে ভিডিওটি আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে দেখবো সেই ভিডিওর টাইটেল হচ্ছে How India makes 34 kilometer highways daily world record. What's the strange news? 34 kilometer highway বানাচ্ছে প্রতিদিন, এটা তো আসলে রেকর্ড করার মতো বিষয়। আর এই ভিডিওটি আমরা নিয়েছি ইউটিউব চ্যানেল পাওয়ার ট্রেন থেকে। ওনাদের অরিজিনাল ভিডিওর লিঙ্কটি আমাদের ভিডিওর নিচে দেওয়া থাকবে, চাইলে আপনারা সেখান থেকে অরিজিনাল ভিডিওটিও দেখে নিতে পারেন। তো চলুন দেখে আসি কিভাবে 34 কিলোমিটার রাস্তা প্রতিদিন তারা তৈরি করছে। Let's go forward the video. 2021 के financial year में average 34 किलोमीटर पर डे के हिसाब से रोड्स बना रहा था और ये सारे के सारे नेशनल हाईवेज थे। इसके अलावा 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी इस टाइम पर इंडिया ने बनाए, जहां पर सबसे ज्यादा लेंथ का कंक्रीट रोड 24 घंटे में बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया के पास में है, सबसे लंबा सिंगल बनाने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया के पास में है, इसके अलावा सबसे ज्यादा लेंथ का 4 लेन कंक्रीट रोड 24 घंटों के अंदर बनाने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया के पास में है और ये बहुत बड़े मार्जिन के साथ में इंडिया ने ब्रेक की है। और इसके पीछे जो गवर्नमेंट एजेंसी है NHAI, वो किस तरीके से ये सारी चीजें अकम्प्लिश कर पा रही है, इसी चीज के बारे में आज हम समझेंगे। पावर ट्रेन। दोस्तों NHAI पहले जो है काफी अलग तरीके से फंक्शन किया करती थी, लेकिन पिछले इसके अंदर बहुत बड़े रिफॉर्म्स देखने मिले हैं, जिसके वजह से वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल गवर्नमेंट एजेंसी ये बन गई है पूरे देश के हिस्ट्री के अंदर। अब देखते हैं किस तरीके से इतनी तेजी से NHAI रोड्स बना पा रही है। पहले बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स की। करेंटली एन एवरेज जो 34 किलोमीटर पर डे का अमाउंट NHAI होल्ड कर रही है, ये पिछले पूरे के पूरे साल का एवरेज है, जबकि अगर आप मंथली को देखो तो ये बढ़ते जा रहा है। और अगर करंट की बात करें तो अराउंड 40 किलोमीटर पर डे के हिसाब से हम रोड्स बना रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स आपके पास काम करने के लिए है, उतने ज्यादा अलग अलग जगह पर अलग अलग साइट्स पर काम हो सकेगा। NHAI ऑलमोस्ट आजकल डेली बेसिस पर कोई ना कोई टेंडर अनाउंस करता है, जिसके वजह से बहुत ज्यादा ऑप्शंस फिलहाल NHAI के पास में है काम करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो 2014 के पहले इंडिया में सिर्फ 15 एक्सप्रेसवेज हुआ करते थे, जिसकी टोटल लेंथ मिलाकर 836 किलोमीटर हुआ करती थी। इसमें से ज्यादातर एक्सप्रेसवेज इंटरसिटी हुआ करते थे, यानी शहर के अंदर या फिर किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया के बीच में। ज्यादातर ये एक्सप्रेसवेज 30 या 35 किलोमीटर से भी कम लेंथ रखा करते थे, और एक्चुअल में सिर्फ 2 ऐसे एक्सप्रेसवेज थे इंडिया में जो काफी ज्यादा लंबे डिस्टेंस तक दौड़ा करते थे। लेकिन जब से NHAI के ऑपरेशंस पूरी तरीके से चेंज हुए हैं, तब से 1882 किलोमीटर के नए एक्सप्रेसवेज ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुके हैं, 6989 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है अपने फाइनल फेजेस में, यानी विद इन 1 ईयर इनका कंप्लीशन डेट रखा गया है। इसके अलावा 11883 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज अंडर कंस्ट्रक्शन है प्रीलिमिनरी स्टेज में, यानी इन्हें बनने के लिए और ज्यादा समय है। जबकि इसके अलावा 11 और ऐसे एक्सप्रेसवेज है जिन्हें अप्रूवल मिल चुका है, लेकिन अभी भी अपने बहुत प्रीलिमिनरी स्टेज में है, यानी डॉक्यूमेंटेशन सर्विस इन जैसे स्टेजेस में ये है, और कुछ हजार किलोमीटर इनके द्वारा भी ऐड होंगे। और अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेसवे की बात की है, तो आप समझ सकते हो कि इनकी संख्या कितनी ज्यादा बढ़ गई है पिछले कुछ सालों में। और अभी नेशनल हाईवेज जो छोटे दूसरे रोड्स है ये इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, और उन्हें अगर आप काउंट करो तो NHAI के पास में एज ऑफ नाउ काम करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा ऑप्शंस है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो इसी से लगकर आता है कि अगर इतने सारे रोड्स NHAI बना रहा है तो उनके लिए वो पैसे कहाँ से लाते हैं, यानी फंडिंग। अब इंडिया में ज्यादातर जो दूसरी एजेंसी इस तरीके की इंफ्रा में रिलेट करती है, वो ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट से या अगर स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो तो स्टेट गवर्नमेंट से पैसों की डिमांड करती है, या फिर कई बार डायरेक्टली एक्सटर्नल एजेंसी से लोन लिया जाता है। NHAI ने अपने फाइनेंसेस बहुत ही डिफरेंट तरीके से सॉर्ट आउट किए हैं, जिसकी वजह से एज ऑफ नाउ NHAI वन ऑफ द ओनली एजेंसीज बन चुकी है इंडिया में
जो बिना सेंटर से भीख मांगे भी अपना काम जारी रख सकती है अपने कैपिटलाइज्ड एसेट्स के जरिए। अब ये NHAI करता कैसे है वो हम जानते हैं। पहली बात, NHAI आजकल जो भी रोड प्रोजेक्ट्स बना रहा है नए वाले, उन्हें इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आने वाले 15 से 30 सालों में ये अपने आप के लिए पे कर दे और इसके साथ साथ बाय टाइम ये फ्लेक्सिबल तरीके के एसेट्स प्रोड्यूस करे जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज दी जा सके। यहां पर टोल से लेकर रोड साइड एमिनिटीज, लैंड सेल, कॉन्ट्रैक्टिंग डिस्काउंट्स, ये सारी चीज़ें शामिल है। और अगर कुछ दूसरे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों की बात करें तो NHAI ने एक नई ट्रस्ट शुरू की है जिसका नाम है NHAI इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या फिर इनविट स्कीम, जिसके अंतर्गत NHAI उनके जितने भी इंपॉर्टेंट एसेट्स है उन्हें एज इन्वेस्टमेंट स्कीम्स बनाकर प्राइवेट प्लेयर्स और मे बी फ्यूचर में जनरल पब्लिक के लिए भी ऑफर करेगा, जिसकी वजह से आप इनके अंदर पैसे लगा पाओगे और NHAI उनके जरिए और रूट्स बनेगा जिनके जरिए और पैसे जनरेट होंगे और ऐसा ही साइकिल चलता रहेगा। और साथ साथ में जो भी इनिशियल इन्वेस्टर्स है उन्हें इसमें से प्रॉफिट भी दिया जाएगा, जिसकी वजह से NHAI ने एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइकिल बना ली है पैसों के सर्कुलेशन की, जो हर साल बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट इस साल NHAI ने 15 लाख करोड़ रुपीज का बजट रखा है, जो एक बहुत बहुत बड़ी अमाउंट है इंडिया के अंदर सिर्फ रोड्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। इसके अलावा PPP मॉडल, बेहतर तरीके के फाइनेंसिंग अग्रीमेंट्स, इन चीजों की वजह से भी NHAI को आज फंडिंग की दिक्कत नहीं आ रही है। और कई बार NHAI के द्वारा ये क्लियर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि पैसे उनके लिए कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए एज ऑफ नाउ फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, बल्कि जो दूसरे फैक्टर्स मैटर करते हैं, चाहे वो परमिशंस हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया NHAI के लिए। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से NHAI इतने ज़्यादा रोड्स बना पा रहा है। तीसरा पार्ट है कॉन्ट्रैक्टर रेटिंग, क्योंकि जब बड़े रोड्स बनते हैं तब लाखों करोड़ों के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर चाहता है, स्पेशली जो बड़ी फर्म्स है वो ये चाहती है कि उन्हें ही वो कॉन्ट्रैक्ट मिले ताकि वो भी करोड़ों के फायदे के अंदर अपना हिस्सा निकाल पाए। लेकिन पहले इंडिया के अंदर हुआ ये करता था कि एक बार जब कॉन्ट्रैक्टर कहीं पर एलोकेट हो जाता था या फिर किसी प्रोजेक्ट के अंदर उनका योगदान होता था तो उसके बाद में उनके रेटिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। उसके वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा फ्री हुआ करते थे काम डिले करने के लिए, प्रोजेक्ट ठीक से नहीं बनाने के लिए, बाद में उसका मेंटेनेंस भी ठीक से नहीं करने के लिए, और इसके वजह से इंडिया के अंदर रोड्स ठीक से नहीं बन पा रहे थे। NHAI ने अभी किया ये है कि हर साल 2 बार इंडिया के अंदर जितने भी नेशनल हाईवेज है या एक्सप्रेसवेज है उनका फिजिकली ऑडिट किया जाता है ऑफिशियल्स के द्वारा। यहाँ पर फिर चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड प्रोजेक्ट जिसके मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो रिसेंट में कंप्लीट हुआ है लेकिन मेंटेनेंस की जिम्मेदारी नहीं दी गई है, अगर इन सारे ऑडिट्स के दौरान कोई दिक्कत निकल कर आती है तो कॉन्ट्रैक्टर को कई बार पिनलाइज किया जाता है, चाहे वो फाइन्स हो, फ्यूचर में टेंडर्स में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया जाना हो, ब्लैकलिस्ट होना हो या फिर प्रॉपर फाइनेंशियल ऑफर्स नहीं मिलने की। उन्होंने पिछले कुछ सालों से ये बहुत ज्यादा अच्छे से समझ गया है कि काम ठीक से और टाइम से करना बहुत जरूरी है उनके कंपनीज के फ्यूचर के लिए, और अगर वो ठीक से नहीं कर दे तो वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्ट जो इंडिया में निकलते हैं वो उनके हाथ से छूट जाएंगे। एट द सेम टाइम NHAI जो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स है उन्हें रिवॉर्ड करने का भी काम कर रही है, उन्हें स्पेशल प्रेफरेंसेस, ग्रीन लाइंस, इन जैसी सुविधाएं दी जाती है ताकि जो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो अपना काम और बेहतर तरीके से कर पाए, साथ साथ जो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्हें भी काइंड ऑफ मोटिवेट किया जा सके ठीक से और टाइम से काम करने के लिए। और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा है, और इनफैक्ट ये जो टेक्निक NHAI ने इम्प्लीमेंट की है इसके बाद में इंडिया के अंदर ज़्यादातर जो बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं NHAI के अंडर वो टाइम के पहले कंप्लीट होना शुरू हो गए हैं। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आउटसोर्सिंग। NHAI एज ऑफ नाउ अगर आप करंट फॉर्म में देखो तो ऑलमोस्ट एक टेंडर फ्लोटिंग एजेंसी की तरह बन गई है जो अपने बाकी सारे के सारे काम आउटसोर्स कर देती है। दोस्तों NHAI के बस में कोर में सिर्फ 900 एम्प्लॉयज है और उनके साथ में हजारों किलोमीटर के रास्ते बनाना एक फीजिबल बात नहीं लगती है, जो कि सच है। लेकिन एक ज़माने में ये जो लिमिटेड वर्कफोर्स NHAI के पास में हुआ करती थी यही डॉक्यूमेंटेशन, सर्विंग, ऑडिटिंग, कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को ढूंढना, टेंडर्स फ्लोट करना, बाद में मेंटेनेंस के लिए भी कॉन्ट्रैक्टर्स ढूंढना, ये सारी चीज़ें एक बॉडी के अंडर की जाती थी और कई बार मल्टीपल रोल्स कई लोगों को लेने पड़ते थे। लेकिन NHAI फिलहाल करती ये है कि सारे के सारे कामों को आउटसोर्स कर देती है दूसरे प्राइवेट कंपनीज को। इसकी वजह से हो ये रहा है कि सबसे मेनली NHAI का बहुत ज्यादा समय बच रहा है क्योंकि हर एक काम के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए कोई दूसरा पर्सन मौजूद है तो NHAI को उस पर इतना ध्यान नहीं देना पड़ता है। साथ साथ क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा ये काम किया नहीं जा रहा, आप जानते हो जिस तरीके से गवर्नमेंट एजेंसीज के अंदर कभी कभी काम होता है, तो बड़े पैमाने पर पैसे की बचत भी NHAI ने की है। इनफैक्ट NHAI ने क्लियरली ये स्टेटमेंट दिया है कि ये जो प्रिलिमिनरी काम होते हैं
उसके ऊपर 30% पैसे वो कम यूटिलाइज कर रहे हैं पिछले 3 साल के कंपैरिजन में। इसके अलावा उनका जो पूरा का पूरा ईयरली बजट होता है 8-10% पैसे लग जाते थे सिर्फ प्रिलिमिनरी कामों के लिए, वो अभी 1% से भी कम हो गए हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो वो है नई टेक्नोलॉजी। ये जो पॉइंट है वो डायरेक्टली NHAI को तो रिलेट नहीं करता है, कॉन्ट्रैक्टर्स को रिलेट करता है, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर रोड इतनी तेजी से क्यों बन रहा है इसके अंदर ये ज़रूरी पॉइंट है। एज ऑफ नाउ दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट रोड मेकिंग मशीन इंडिया के अंदर मौजूद है जो डेली बेसिस पर 24 आवर्स काम करती है। इसके अलावा लाइटर सर्विस, AI के जरिए ट्रैफिक सिमुलेशंस, GPS बेस्ड और ऑटोमेटेड टोल कलेक्शन सिस्टम्स, ये सारे चीजें पिछले कुछ सालों से यूज होना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से जहाँ पर लॉसेस हो सकते थे वो रिकवर हो रहे हैं, जहाँ पर ज्यादा समय लगता था वो समय बच रहा है, जहाँ पर ज्यादा पैसे लग सकते थे वहाँ पर भी सेविंग्स हो रही है, और ओवरऑल नई टेक्नोलॉजी के NHAI अपने काम ज्यादा एफिशिएंट तरीके से करवा पा रही है। और NHAI इंडिया की वन ऑफ द उन एजेंसीज में से एक है जो कभी भी IITs, NITs जो हमारे टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है या फिर जो भी इंटरनेशनल लेवल पे बॉडीज मौजूद है जिनके पास में एक्सपीरियंस है उनसे मदद मांगने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं रखती है। NHAI ने टाइम दर टाइम जब भी दिक्कतें आई है अपनी दिक्कतें सामने रखी है और इन इंस्टीट्यूट्स ने इन्हें हमेशा मदद भी की है, जिसकी वजह से ये हमेशा आगे रहे हैं नई चीज़ें इंप्लीमेंट करने में। आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कह सकते हो इंडिया के अंदर सबसे तेज से रोड कंस्ट्रक्शन होने के लिए वो है स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग। एज ऑफ नाउ NHAI के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं ऑलमोस्ट पूरी तरीके से डिजिटलाइज कर दिए गए हैं। एक पूरी की पूरी कमेटी और टीम सेटअप की गई है जो सिर्फ और सिर्फ ये मॉनिटर करती है कि जो ऑफिसर्स है वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। अगर कोई फाइल अपने टाइम से पहले अगले लेवल तक नहीं पहुंचती तो उसकी स्क्रूटिनी की जाती है। अगर कोई ऐसी बात निकलती है जहाँ पर बिना वजह से किसी फाइल को रोका गया था किसी भी ऑफिसर के जरिए तो वापस स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। NHAI करेंटली चाहे वो उनके एम्प्लॉयज हो या कॉन्ट्रैक्टर्स, अगर वो ठीक से काम नहीं करते उनके पोजीशंस का गलत फायदा उठाते हैं और बेवजह अगर काम को डिले करते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन वो लेंगे, ऐसा NHAI ने क्लियरली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कहा है, जिसके वजह से काइंड ऑफ ए प्रेशर एनवायरनमेंट बन गया है NHAI में जिस तरीके से प्राइवेट कंपनीज में होता है और वहां पर काम अभी तेजी से होना शुरू हो गए हैं। तो ये वो रीजंस है जिसके वजह से आज इंडिया डेली बेसिस पर इतने ज्यादा लेंथ में रोड्स बना पा रहा है और साथ साथ आने वाले समय में इनफैक्ट अभी भी इन नंबर से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस वो दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि NHAI सबसे ज्यादा परफेक्ट गवर्नमेंट एजेंसी बन गई है, कई सारी चीजें अभी भी यहाँ पर ठीक से फंक्शन नहीं करती जिन पर काम किया जा रहा है और कई सारे लूपहोल्स भी यहाँ पर देखे गए हैं जो मे बी फ्यूचर में दिक्कतें ले आ सकते हैं फाइनेंशियल से रिलेटेड। लेकिन अगर करंट स्टेट की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट अप्रिशिएबल एजेंसी बन चुकी है NHAI पूरे के पूरे देश के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर। তার মানে হচ্ছে NHAI যে কাজটা করছে সে তার কাজটা প্রপারভাবে করতে পারছে বলেই কিন্তু আসলে ইন্ডিয়াতে প্রতিদিন হচ্ছে 34 কিলোমিটার রোড ডেইলি বেসিসে মানে একের পর এক বেড়ে যাচ্ছে। একে প্রথমত তোমার এখানে প্রজেক্ট বেশি আছে, প্রতিদিনই রাস্তা তৈরি করার জন্য কোনো না কোনো টেন্ডার চলছে। দ্বিতীয়ত তোমার হচ্ছে টেকনোলজির উন্নয়নটা হয়েছে। তৃতীয়ত এটা মনিটরিংয়ের যে ব্যবস্থাটা বললো, যে মনিটরিং ব্যবস্থাটা আছে দেখেই কিন্তু মানুষ ভয়ে কাজটা করছে। এবং আরেকটা জিনিস তোমার কাছে এটা মনে হবে যে আমাদের দেশে কিন্তু কখনোই একটা কাজ করার পরে তাদেরকে কখনো তারা ভালো করলো কি মন্দ করলো সেটার জন্য কিন্তু কোনো কিছুই করা হয় না। এবং অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের রাস্তাঘাট তৈরি করে গেছে, কিছুদিন পরে বিটুমিনটা উঠে যাচ্ছে তোমার। তো এখানে আর যদি এরকম তদারকি থাকে সেখানে নিশ্চয়ই এই ধরনের প্রবলেমটা হবে না। তো যেহেতু তাদের মনিটরিং সিস্টেমটা আছে এবং তারা তদারকি করছে যে সে ভালো করছে কি খারাপ করছে এবং পরবর্তীতে তাকে কিন্তু পেনাল্টি দিচ্ছে, কারণ সে যদি খারাপ করে তাহলে তাকে অবশ্যই আইনের আওতায় আনা হচ্ছে এবং তাকে সেটার জন্য পানিশমেন্ট দেওয়া হচ্ছে, যার কারণে তারা কিন্তু ভালো করবে। হ্যাঁ, আর ভালো করলে তো রেওয়ার্ডস পাচ্ছে। তো সব মিলে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে মনিটরিং সিস্টেমটা অনেক ভালো, আমাদের দেশের থেকে অনেক স্ট্রং। এবং NHAI এর কিন্তু ফিনান্সিয়াল প্রবলেমটা নাই, তারা যেটা বলছে যে তাদের আর্নিং লেভেল থেকে শুরু করে তাদের ফিনান্সিয়াল প্রবলেম নেই এবং তারা এক্সট্রা আর্নিং এর জন্য যেটা করেছে যে যে কেউ ইনভেস্ট করতে পারবে তারা একটা ইনভেস্টমেন্ট প্রজেক্ট চালু করেছে। সো সেই তাদের যে ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিসটা ছিল সেটা থাকছে না,
তাদের কোনোভাবেই। হ্যাঁ, এবং কনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা হয়েছে যে তারা টেকনোলজিটাকে নতুন টেকনোলজি ব্যবহার করার জন্য তাদের যে যে সমস্ত যাদেরকে টেন্ডার দেয় যে সমস্ত কোম্পানি কাজ করে তাদেরকে বলে যে তোমরা নতুন ধরনের টেকনোলজি ইউজ করো। আর একটা জিনিস এখানে তুমি যেটা বলছিলে সেটা হচ্ছে যে তারা কিন্তু তাদের কাজগুলোকে ভাগ ভাগ করে বিভিন্ন কোম্পানির হাতে দিয়ে দিচ্ছে, যার কারণে দেখা যাচ্ছে একজনের উপরে কোনো প্রেশার নাই যে কাজটাকে তার এই কদিনের মধ্যে শেষ করতে হবে, তো এই প্রেশার নিয়ে সে কাজটা করছে না। দেখা যাচ্ছে যে সবার মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে যখন দেওয়া হচ্ছে তখন সবাই তার মতো করে কাজটা কিন্তু ঠিক সময় শেষ করার চেষ্টা করছে এবং সুন্দরভাবে করছে, কারণ একজনের উপর যখন বেশি প্রেশার চলে যায় তখন আসলে কাজটা ঠিক মতো হয় না এবং কাজের গতিও কমে যায়। তারপরে এখানে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম হতে পারে, টাকা পয়সার ব্যাপার যখন থাকে তখন একটা কোম্পানি কিন্তু তখন পেয়ে বসে যে না আমি এত বড় একটা কন্ট্রাক্ট পেয়েছি আমি এখান থেকে কিভাবে মারিং কাটিং করবো, এটা তারা করতে পারছে না। হ্যাঁ, এখন যেহেতু বিভিন্ন কোম্পানির হাতে তখন সেটা কিন্তু করার সম্ভাবনাটা খুব কম। অবশ্যই, আর হচ্ছে ফাইল ডিলিং এর বিষয়টা আমাদের দেশে যেটা হয় যখন কোনো রোড কনস্ট্রাকশনের জন্য কেউ কোনো টেন্ডার সাবমিট করে তখন এই টেন্ডারের যে ডকুমেন্টগুলো এগুলো টেবিল টু টেবিল যেতে যে সময়টা ক্ষেপণ হয় এবং যে কন্ট্রাক্টর কাজটা নেয় সে যে একটা সময় ক্ষেপণ করে ডকুমেন্টেশন সাবমিটের ক্ষেত্রে, ওখানে কিন্তু এটা প্রপার মনিটর হওয়ার কারণে হচ্ছে কাজগুলো খুব দ্রুত গতিতে যাচ্ছে, আর রিওয়ার্ড পাওয়ার কারণে হচ্ছে যে যে সমস্ত কনস্ট্রাকশনগুলো কাজ করছে তারা দ্রুত গতিতে যে সময় কাজ দেওয়া হয় তার থেকে আরও মানে কম সময়ে অল্প সময়ের মধ্যে তারা কাজগুলো ডেলিভার করে দিচ্ছে, যে কারণে হচ্ছে কি যে নেক্সট টাইম কাজ পাওয়ার আশা থাকছে সেই লক্ষ্য নিয়ে তারা কাজ করছে, যেটা হয়তো আমাদের দেশে হচ্ছে না, সেই জন্য আমরা স্লো আছি। হ্যাঁ, এটা অনেক কিছুই আছে সমস্যা, কিন্তু এখানে যে জিনিসটা দেখলাম যে না এটা আসলে ভালো এবং আশা করি যে তারা আরও মনে হয় এটা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করবে, কারণ যেহেতু তারা নতুন নতুন রাস্তাঘাট আরও বেশি তৈরি করছে তো দেখা যাবে গত বছরের তুলনায় এবছর আরও বেশি টেন্ডার জমা পড়েছে, আরও বেশি রাস্তাঘাটটা করার জন্য হয়তো সরকারের পক্ষ বা বিভিন্নভাবেই তো এলাকা ভিত্তিক গভর্নমেন্ট যেগুলো থাকে তারাও হয়তো এগুলোর উপরে জোর দিচ্ছে, তো সেই ক্ষেত্রে মনে হয় তাদের এই 34 কিলোমিটার থেকে মনে হয় আরো বেশি হবে যে তাদের অ্যাক্টিভিটিটা ভালো। সরি, এটা তো আসলে পার ইয়ার ক্ষেত্রে গড় মাপে হচ্ছে গিয়ে 34 কিলোমিটার। হ্যাঁ, এইভাবে যদি প্রত্যেকটা কোম্পানি কাজ করে এবং এই ধরনের নজরদারি থাকে তাহলে এটা 34 থেকে 50 কিলোমিটার হওয়াটা আসলে কোনো ব্যাপার না। তো ওভারঅল ভিডিওটা আসলে অনেক কি বলবো অনেক সেন্সিটিভ বলতে পারা হয়। হ্যাঁ, ভিডিওটা অনেক সেন্সিটিভ বলতে হয় এই জন্যে যে যেহেতু এখানে অনেক অ্যালার্টনেসের বিষয় আছে এবং NHAI যে কাজগুলো করছে এগুলো আসলে প্রাউড করার মতো কাজ। তো ওভারঅল ভিডিওটা আমাদের কাছে ভালো লেগেছে, আর যদি আজকে আমাদের ভিডিও রিয়েকশনটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আর কোন কোন ধরনের ভিডিও আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি। তো আপনারা সব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি।